हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राहुल और आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्यन जी में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में टेक्निकल इसरार जैसे फुल HD क्वालिटी में और प्रोफेशनल तरीके से लोगो कैसे बनाएंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, टेक्निकल इसरार एक यूट्यूबर हैं जो कि अपने चैनल पर टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियोज़ को अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि आप उनकी तरह सेम वही लोगो कैसे डिजाइन करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल टेक्निकल आर्यन जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही मिलेगा घंटी का बटन, उसे भी दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल फ़ोन में पिक्सल लाइव एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। पिक्सल लाइव एप्लीकेशन ओपन करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर न्यू टेक्स्ट देखने के लिए मिलेगा। न्यू टेक्स्ट पर जो है हमें डबल टाइप करना है। डबल टाइप करने के बाद फ्रेंड्स, हम जो है यहाँ पे टेक्निकल इसरार जिस प्रकार से टाइप करते हैं उसी प्रकार से हम जो है यहाँ पे लेटर को टाइप कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम जो है यहाँ पे ए वाले ऑप्शन पे टाइप करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाएंगे फॉन्ट वाले ऑप्शन पे। फॉन्ट पे एक बार टाइप करना है हमें। उसके बाद जो है अपने फॉन्ट में जाकर इस वाले फॉन्ट को जो है हम चूज कर लेंगे। यहाँ पे फॉन्ट चूज करने के बाद फ्रेंड्स, हमें जो है थोड़ा पैडिंग देना होगा क्योंकि विदाउट पैडिंग ये जो है बढ़िया से दिखेगा नहीं। तो दोनों साइड हम पहले पैडिंग दे देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, हमने पैडिंग दे दिया है कुछ इस प्रकार से। इस फॉन्ट को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं, हम फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसी टेक्स्ट को हम जो है कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स, हम जो है यहाँ पे टाइप कर देंगे आई। कुछ इस प्रकार से आई को टाइप करने के बाद यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, हमारा जो कैंसिल हो गया, तो हम फिर से आई को टाइप करके यहाँ पे स्पेसिंग दे देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स, आई टाइप करने के बाद हम जो है यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं सेम वही फॉन्ट है जो कि टेक्निकल इसरार अपने लोगों को बनाने में यूज़ किए थे। सो फ्रेंड्स, हम जो है यहाँ प्लस वाले चिन्ह पर जाएंगे और फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद हम जो है अपने उस शेप को ऐड कर लेंगे जिस शेप को हमें जो है यहाँ पर बनाना है। यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारे पास ये वाला शेप है। इस शेप के माध्यम से हमें जो है लोगों को बनाना है, तो हम इस शेप को ऐड कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा ये PNG ऐड हो चुका है। तो हमें जो है थर्ड वाले ऑप्शन पे टाइप करना है। थर्ड वाले ऑप्शन पे टाइप करने के बाद फ्रेंड्स, हम जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे। इरेज कलर का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, तो इरेज कलर के ऑप्शन पे हमें एक बार टिक करना है और इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस, यहाँ पे बैकग्राउंड जो है रिमूव हो चुका है। तो हम यहाँ सही के चिन्ह पे टाइप कर देंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे वाटर मार्क अभी भी है, तो वाटर मार्क रिमूव नहीं हुआ है। तो वाटर मार्क रिमूव करने के लिए आपको फिर से इरेज कलर के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर टॉलरेंस जो है आपको जो है 25 या 23 के आसपास कर देना है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो टॉलरेंस यहाँ पर थोड़ा कम कर दिए हैं हम। उसके बाद कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं किसी भी कलर में हम कर देंगे तो यहाँ पे अब जो है वाटर मार्क नहीं दिखेगा। सो फ्रेंड्स, हम जो है इसे कुछ इस प्रकार से रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद यहाँ पे इसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद जो है हमें एक शेप ऐड करना होगा। शेप को ऐड करने के लिए हम जो है प्लस वाले चिन्ह पर जाएंगे और शेप पे चले जाएंगे। यहाँ पर जो है हम एक शेप को ऐड कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से शेप को ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, हम जो है यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और यहाँ शेप के कलर को जो है हम चेंज कर देंगे। कुछ इस प्रकार से हम जो है ब्लैक कलर चूज कर लेते हैं फ्रेंड्स। ब्लैक कलर यहाँ पे हम चूज कर लिए, या फिर हम चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम जो है कुछ इस प्रकार से ब्लू कलर भी रख सकते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे रोटेट कर लेंगे अपने हिसाब से। रोटेट करने के बाद हम जो है यहाँ पर इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब हम जो है लेयर वाले ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ पर इन दोनों को जो है एक साथ करके थर्ड ऑप्शन पे टिक करके ओके कर देंगे, ये जो है एक साथ ऐड हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें जो है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है हमारा एडजस्ट हो चुका है। तो हम जो है इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे इरेज कलर के ऑप्शन पे। अब यहाँ पे जो है हम इरेज कलर को इनेबल कर देंगे। इरेज कलर को इनेबल करने के बाद फ्रेंड्स, हम जो है यहाँ स्पीक कलर पर एक बार टाइप करना है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस। यहाँ पे करने के बाद सही के चिन्ह पे टाइप कर देना है। यहाँ पे जो आप सिलेक्ट किए रहेंगे वो भाग जो है ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा।
सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा और रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब हम जो है यहाँ पे फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि हमारा जो लोगो है लगभग बन के तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ जो है फोर्थ ऑप्शन पे टाइप करेंगे। फोर्थ वाले ऑप्शन पे टाइप करने के बाद फ्रेंड्स हम जो है कलर को कुछ इस प्रकार से चूज कर लेंगे, या फिर हम जो है यहाँ पे इस कलर को चूज करते हैं। इस कलर को चूज करने के बाद फ्रेंड्स हम जो है यहाँ पे इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, या फिर थोड़ा चाहते हैं तो इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने मन मुताबिक कुछ इस प्रकार से। आप सही के चिन्ह पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो लोगो है बनके तैयार हो चुका है। अब हम जो है इसे सेव करने के लिए यहाँ सेव के बटन पे टाइप करेंगे और सेव एज इमेज पे चले जाएंगे। सेव एज इमेज पे टिक करते हैं आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको डिफॉल्ट पे एक बार टाइप करना है और नीचे स्क्रॉल करके अल्ट्रा सेलेक्ट करना है, और जो है आपको ऊपर में सेव टू गैलरी का ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पे एक बार आपको टिक करना है। यह जो इमेज है आप लोगों के गैलरी में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो इमेज है पूरा लोगो का सेव हो चुका है। बाद या हम डायरेक्ट जो है डिफॉल्ट पे टिक करेंगे। डिफॉल्ट पे टिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से हम कर लेंगे। उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यूज इमेज फ्रॉम गैलरी पे टिक करना है। अब यहाँ पे टिक करके हम जो है अपने उस PNG इमेज को ऐड कर लेंगे जिस PNG इमेज को जो है हम यहाँ पे सेव किए हुए हैं। सो फ्रेंड्स हम जो पिक्सल लैब में चले जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हम कुछ इस प्रकार से टेक्निकल इसरार का जो है लोगो हम बना के रखे हुए हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमें थ्री गोलाई पे क्लिक करना है। गोलाई पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमें एडजस्ट करके सही के चिन्ह पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो है PNG ऑलरेडी सेव हो चुका है। अब कुछ इस प्रकार से करके आप जो है यहाँ पे अपने खुद के लिए आप लोगो तैयार कर सकते हैं। अब इसे सेव करने के लिए फ्रेंड्स फिर से आप वही प्रक्रिया अपनाइएगा। अब आप इसे जो है आसानी से अपने किसी भी प्रोफाइल पे लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको भी कुछ इस प्रकार से लोगो बनाना आ गया होगा। यदि आप भी जान चुके हैं किस प्रकार से टेक्निकल इसरार यूट्यूब जैसा लोगो बनाते हैं, तो आप जो है हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज रोज लाते रहते हैं। सो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही था। तो आपको हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।